तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण को लेकर 8 विधानसभा क्षेत्र वाली चूरू संसदीय सीट पर भी इस समय वोटिंग चल रही है। इस दौरान गर्मी के चलते सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में 2068 मतदान केंद्रों पर 20,19,104 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं यहाँ से 12 प्रत्याशी अपना भाग्य भी अजमा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने परिवार सहित राजकीय शारदा स्कूल में बने बूथ पर मतदान किया। इस मौके पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है, वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। चूरू जहां पर भीषण गर्मी का जो दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि इस गर्मी में भी लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। लोकतंत्र का उत्सव है, लोगों में अपार जोश है। निश्चित तौर पर एक तमन्ना जो लोगों की है आज के दिन अपने मत के माध्यम से विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की, और मैं समझता हूँ कि उसमें हम निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। पहली बार मतदाता को मैं जिसकी जागरूकता देख रहा हूँ, स्वतः ही मतदाता आप देख रहे हैं, आज सुबह है, मतदान प्रारंभ हुए सिर्फ 15 मिनट बीते हैं, एक लंबी लाइन आप देख रहे हो, और मैं समझता हूँ इससे बड़ी क्या खासियत हो सकती है लोकतंत्र की, इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आज उपस्थित है और ये अपने मताधिकार का उपयोग करके इस देश के अंदर शक्तिशाली।